खड़गे की माँ को जिंदा जलाया गया था। घर से भागकर जंगल में शरण ली थी खड़गे ने। दुख और संघर्षों से भरी रही है खड़गे की जिंदगी। क्या आपको पता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माँ को उनकी आंखों के सामने जला दिया गया था? क्या आप ये जानते हैं कि खड़गे को घर बार छोड़कर भागकर जंगल में शरण लेनी पड़ी थी? उनका बचपन कैसे बीता, वो कैसे इस पद तक पहुंचे, कैसा रहा उनका सफर, हम आपको बताते हैं कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संघर्ष और जीवन के त्रासदी के बारे में। देश आजाद हो चुका था, लेकिन बंटवारे के साथ आए थे दंगे और हिंसा। जगह जगह दंगे हो रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का गांव बरवट्टी हैदराबाद के निजाम के शासन के अधीन था। निजाम खुद पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जबकि वहां की बहुसंख्यक जनता भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। निजाम की सेना ने बरवट्टी पर हमला कर दिया। उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी। मल्लिकार्जुन का घर जला और उसमें जल गई उनकी माँ। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र सिर्फ 5 साल थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता उन्हें बचाकर भागने में कामयाब रहे, गांव से दूर जंगल चले गए। पिता पुत्र 3 महीने तक जंगल में छिपे रहे। जब वातावरण शांत हुआ तो एक रिश्तेदार के यहाँ मल्लिकार्जुन को छोड़कर पिता शहर चले गए। मल्लिकार्जुन को स्कूल में डाला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की जिंदगी हमेशा मुश्किल भरी रही है, लेकिन वह पढ़ने लिखने में तेज थे और उनमें नेतृत्व की क्षमता थी। वो स्कूल में हेड बॉय थे, कॉलेज गए तो छात्र राजनीति से जुड़ गए, लॉ की पढ़ाई की, गुलबर्गा जिले के पहले दलित बैरिस्टर बने, एक बार विधायक बने तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 बार चुने गए। मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बार सांसद चुने गए, कई बार राज्य सरकार में मंत्री बने। वे 3 बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, राज्यसभा के सदस्य बने, वहां विपक्ष के नेता बने और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष।